स्त्री पुरुष गंगा जी नहा करके आ रहे हैं। यमराज के दूत किसी को लेने को जा रहे हो। गंगा नहाने वाला यदि स्त्री पुरुष उनको रास्ते में कहीं दिखाई दे जाता है तो वह यमराज के यहां वापस चले जाते हैं, वो उस जीव को लेने को नहीं जाते। यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या? सामने से बिजली जैसा करंट आ रहा था। कहा क्या हुआ? गंगा नहा करके लोग आ रहे थे तो तुम जानते ही हो जो धर्मात्मा आता है उसको देख करके तो हम ऐसे जलते हैं जैसे आग के ऊपर पतंगा जलता है। हम उनका तेज सहन नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम वापस आ गए। स्पष्ट लिखा है गंगा स्नान ऋतम्बरत्या है दृष्टैव यमकिंकर यमकिंकरा। गंगा जी नहाता हुआ कोई आ रहा हो और यमराज के दूत उसे देख लें तो दिशो दस पलायन्ते सिंहम दृष्ट्वा यथा मृगः, जैसे शेर को देख करके मृग भाग जाता है दसों दिशाओं की तरफ, उसी प्रकार से यम के दूत भी गंगा स्नान करने वाले भक्त को देख करके ऐसे ही भाग जाते, वहां टिकते नहीं। यम किंकर का मतलब है पाप, अपराध। अपराध वहां टिक नहीं पाएंगे। जो नित्य गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी का आचमन करते हैं, रोजाना गंगा जी नहीं नहा सकते तो नित्य गंगा का आचमन तो कर सकते हैं। गंगा का आचमन कीजिए, गंगा भजनशील गंगा तट निवासिन हरचाम कृत्वा इथा न्याय अश्वमेध फलम लभेत। जो भगवान का भजन माँ तो गंगा के किनारे पर, नदियों के किनारे पर जो जप करते हैं उनको शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हर अनुष्ठान इन देव नदियों के किनारे पर सिद्ध हो जाता है। आदि शंकराचार्य भगवान को नर्मदा माँ के किनारे पर नारायण का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा था कि मैं उत्तराखंड में नारद कुंड में पड़ा हूं, मुझे स्थापित कराओ। शंकराचार्य भगवान बद्रीनाथ गए और नारद कुंड से प्रथमा बद्री विशाल भगवान की निकाल कर उनको स्थापित कराई। नर्मदा माँ के किनारे पर आदि शंकराचार्य भगवान को प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रभु ने दर्शन दिया। कोई भी नदी है, इन नदियों की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नदियों को हम मैला कुचैला होने से बचाएं, उनकी गरिमा समझें। गो भू हिरण्यदानेन भक्ता गंगा तटे सुवे नरोन जायते भूय संसारे दुख संकटे। जो गंगा जल लेकर के संकल्प करता है, धरती का दान देता है, स्वर्ण का दान देता है, अन्न का दान देता है, नरोन जायते भूय संसारे दुखम संकटे, इस मृत्यु लोक में वह जीव कभी दुख नहीं भोग सकता। मृत्यु के समय पर उसके प्राण संकट में नहीं हो सकते। यह है मां भगवती गंगा का प्रभाव।